जब बैड न्यूज मूवी का ट्रेलर आया था तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, और ना ही मेरी कोई इच्छा थी कि यार मैं इस मूवी को जाकर देखूं। फिर सोचा कि यार चैनल को जिंदा रखना है तो कुछ चीजें तो सहनी ही पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने बैड न्यूज मूवी को देखने की सोची। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट के आसपास है, और इसके अंदर आपको विकी कौशल, एमी विर्क, तृप्ति डिमरी मेन भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब ये मूवी कितनी ज्यादा वाहियात है उसके ऊपर जाने से पहले इस मूवी की महान कहानी की चर्चा कर लेते हैं। एक शिवानी बग्गा करके एक लेडी होती है जिसकी शादी अखिल चड्ढा से होती है। अब ये शादी कैसे होती है, वो वाहियात डायलॉग से वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, वो चीप से डायलॉग हमें सुनाए जाते हैं जो असहनीय होते हैं। अब इनकी जो शादी होने के बाद इनका तलाक भी बहुत ही बेकार रीजन से हो जाता है, मतलब इतने वाहियात रीजन मैंने कभी नहीं सुने होंगे जो यहाँ पर इस मूवी में जो देखने को मिले हैं। अब ये आत्मनिर्भर नारी बनती है, मतलब कि ये जो शिवानी बग्गा है वो आत्मनिर्भर नारी बनना चाहती है, इसलिए वो किसी रेस्टोरेंट में वर्क करने लग जाती है, और एक दिन ये आत्मनिर्भर नारी इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती है, ये टूट जाती है, और जो उसका ओनर होता है रेस्टोरेंट का गुरबीर के साथ फिजिकली रिलेशन बना लेती है जबरदस्ती। मतलब उसमें आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा कि वो खुश नहीं है, वो नहीं चाहता कि अब ये सब चीजें हो, लेकिन हाँ इसको हवस की भूखी है तो यहाँ पर इसको रिलेशन बनाने ही बनाने। अगर इसको उल्टा किया जाता तो हाँ भाई ये आ जाते नारी का मतलब ढिंडोरा पीटने विक्टिम कार्ड लेकर। खैर अब ये जब जबरदस्ती इसके साथ संबंध बनाती है उसी वक्त जब अपने कमरे में जाती है वहां पर इसका एक्स हस्बैंड होता है उसके साथ फिर से फिजिकल रिलेशन बना लेती है। अब हाँ बिल्कुल आप गलत नहीं बोल देंगे कि ये जो आत्मनिर्भर नारी है ये गलत कर रही है, नहीं नहीं गलत नहीं कर रही है, ये इमोशनली ब्रेक डाउन है, इसको सहारे की जरूरत है। अब सहारे की जरूरत कैसे होती है, बॉलीवुड के अकॉर्डिंग वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, कोई भी मर्द उसको मिल जाए हाँ उसको फिजिकल रिलेशनशिप बनाने ही बनाने हैं। खैर सलोनी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर इसको पता चलता है कि इसको ट्विंस होने वाले हैं जिसमें एक बच्चा गुरबीर का है और एक बच्चा अखिल चड्ढा का है। अब यहाँ पर ये जो वाहिया सिचुएशन बनी है इसमें क्या क्या नंगा नाच होता है इसको जानने के लिए तो आपको ये कचरा देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस मूवी में क्या क्या कमियां जो भर भर के हैं। सबसे पहले जो फनी कॉमेडी जो आपने जोनर दिया है ना उसके बारे में बात करें तो वो इसमें दूर दूर तक नहीं है भाई। फनी क्या इसके जो इस मूवी में देखे तो फनी क्या होता है कि जोर जोर से चिल्लाना, बिना वजह एक दूसरे से लड़ना, वो बाबा आदम जाने जमाने के जोक सुना देना, इसको आप फनी बोलेंगे, उठपटांग हरकतें करना, क्या ये फनी होता है? और बॉलीवुड की घटिया मानसिकता दिखती है इस मूवी के अंदर। जो भी कलाकार इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं मुझे हैरानी हुई कि क्या उन्होंने रत्ती भर भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी क्या कि इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा या फिर किस तरीके की मूवी किस तरीके की सोच के साथ ये काम करने जा रहे हैं। भारत का यूथ अगर इस तरीके की सोच देखेंगे, इस तरीके की मूवी देखेंगे तो उनकी सोच पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मॉडर्न सोच होने का क्या मतलब बन जाता है कि एक व्यक्ति जिसकी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ सो जाती है तो वो उसको खुशी खुशी अपना ले, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन अब वो लेडी डिसाइड करेगी कि हाँ वो अपने पति के साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है, ये उसकी चॉइस है, इट्स हर चॉइस। वाकई में कमाल की बात है कि बॉलीवुड ने धोखेबाजी यानी चीटिंग को, एक हवस को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है भारतीय जनता के सामने, जहां पर कोई भी ये गलत ये ना सोच ले कि कितनी गलत चीज है। ऐसा कौन सा मर्द होगा भारत के अंदर जो ये स्वीकार कर लेगा कि उसकी वाइफ किसी प्राय मर्द के साथ सोकर आई है और उसको एक बच्चा होने वाला है, यानी उसी का वो बच्चा होने वाला है, वो प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसा कौन सा मर्द है, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। हाँ बॉलीवुड के अंदर शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस चीज को स्वीकार कर लें क्योंकि उनकी सोच ही हमें इस तरीके की मूवी में देखने को मिल रही है, जो अपनी सोच ही तो दिखा रहे हैं लोगों को हाँ इस तरीके की मूवी बनाकर। अब आप लोगों को बोलोगे कि यार एक मूवी तो है इससे क्या फर्क पड़ जाता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। भारत के युवा जो है ये जो यूथ जो है वो इस तरीके की मूवी देखते हैं उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा गंदा प्रभाव पड़ता है। आप सोच कर देखिए कि वन नाइट स्टैंड हो गया या फिर जिस तरीके की इसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप का जो बॉलीवुड कॉन्सेप्ट लेकर आया है और पति पत्नी जो होते हैं वो किसी प्राय मर्द के साथ किसी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं या अफेयर चलाते हैं जिससे समाज को गंदा करने वाले या समाज में गंदगी फैलाने वाली ये सोच फैलाते हैं, या फिर रिलीजियस के तौर पर यानी धार्मिक रूप से जो बॉलीवुड एक गंदी सोच लोगों के अंदर पैदा करता है कि हाँ शिवलिंग पर दूध चढ़ाना कितना ज्यादा गलत है। और इवन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इन तरीके की मूवी से प्रभावित होकर शिवलिंग पे दूध चढ़ाना बंद कर देते हैं, जो सोचते हैं कि यार ये कितनी गलत है। हाँ बॉलीवुड बहुत सही है, वो जो चीज सिखा रहा है वो बहुत अच्छी चीज सिखा रहा है, और अपने आप को उस बॉलीवुड मूवी से ज्ञानी बनाकर वो लोगों को ज्ञान देने चले जाते हैं, बिना सच जाने वो लोगों को ज्ञान बांटने नजर आते हैं। बॉलीवुड कभी भी भारतीय संस्कृति को सम्मानपूर्वक कभी नहीं दिखाएगा, वो ये जरूर दिखाएगा कि हाँ अगर कोई लेडी कोई लड़की जो है अगर वो शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ उसका गलत होना है अगर वो वर्जन रह गई है तो ये चीज गलत है, लेकिन हाँ अगर वो शादी के पहले या शादी के बाद अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ भी संबंध बनाए तो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में प्यार तो सोलमेट कर रही है ना आपस में, आपने किसी को अपना शरीर नहीं अपनी आत्मा सौंपी है, शरीर तो आप किसी और के साथ सो सकते हैं। इस तरीके की वाहियात सोच तो बॉलीवुड दिखाता है, और जो कान के कच्चे होते हैं या फिर जो दिमागी रूप से थोड़े वीक होते हैं जो इन तरीके की बातों में आ जाते हैं बॉलीवुड को ही अपना संसार समझने लग जाते हैं तो उनके जीवन पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। तो बॉलीवुड से बचो, जो युवा पीढ़ी को
बर्बाद करने का काम कर रही है। बाकी मूवी के अंदर आपको नेहा धूपिया देखने को मिलने वाली है जो इट्स हर चॉइस वाली बात करती नजर आती है, फेमिनिस्ट, प्रो फेमिनिस्ट नजर आपके सामने आती है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए, कोई महिला उनके पास जाएगी नहीं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हाँ लेकिन ये जरूर आ जाएंगी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, वो हमें देखने को मिलती है। जिनको झेलना, भाई साहब मैं सच कहूँ ना, इन्होंने तो और ज्यादा दिमाग खराब कर दिया। जब जब ये स्क्रीन पे आई है मतलब उल्टी आने का मन कर गया और मन किया कि यार इस मूवी को बीच में छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन रुपए दे रखे थे कम से कम देखूं तो सही लास्ट में किस हद तक ये नीचे गिर जाते हैं। एमी विर्क जो एक बहुत बढ़िया पंजाबी सिंगर है, पंजाबी मूवीज के अंदर वो काम करते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया पंजाबी मूवीज आती है, कॉमेडी से भरपूर वो मूवीज होती है। अभी हाल ही में जो उनकी मूवी आई थी कुड़ी हरियाणा दी, तो जिस तरीके की वो स्टोरी थी वो काफी बढ़िया थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की मूवीज में दिखेंगे। वैसे इस मूवी में एक ही चीज अच्छी है या फिर कहूंगी एक ही कलाकार अच्छे लगे हैं, विकी कौशल, जिन्होंने बहुत एक कह सकते हैं कि पूरा दम लगाया है मूवी को अच्छा बनाने का, लेकिन कॉन्सेप्ट ही गलत था, वो दम फिर कहां काम आने वाला था। हाँ उन्होंने एक तरीके से देखने को मिला गया, जो भी उनके डायलॉग थे थोड़े बहुत वो काफी अच्छे थे, बाकी उनके डायलॉग को छोड़कर जितने भी मूवीज में डायलॉग थे वो इतने ज्यादा वाहियात बिना सर पैर के डायलॉग थे, सच में वो असहनीय है। तो मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और नहीं देखी आप अपनी फैमिली के साथ देखने जा रहे हो तो प्लीज मत जाना, आप इवन सिंगल भी जा रहे हो तब भी मत जाना, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, उससे कुछ खा लो शरीर के अंदर कुछ मतलब चला जाएगा, अच्छा खा लो या फिर मत देखने जाओ, पढ़ाई कर लो, कुछ और अच्छा काम कर लो या किसी गरीब को वो रुपया दान कर दो, इस मूवी पे देखने से बेटर तो यही रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।